वकील व नेमल मौला व नेमन नसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन व युनज्जिस सालिहीन व यज़ाउल मुस्तकबिरीन व युहलिकु मलूक़न व यस्तख़लफ़ु आख़रीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूले सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन नबीना सय्यदना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्ला फ़िल अर्ज़ीन। रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिल फ़िदा वलानतुल्लाहि अला आदाए मजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअ्दु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल हक़ीम वल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअअ्बुदून। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमज़ान माह बरकत है और बहरहाल उसी के सिलसिले में गुफ्तगू हमारी जारी है। ये चंद मिनट की मजलिस है बहरहाल, और इसमें कोशिश हम करेंगे कि चंद मिनटों में हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में से कुछ दर्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। पहला दिन है, ज़ाहिर है रसूल खुदा ख़ातिम मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लि अला मुहम्मद। रसूल खुदा की ज़िंदगी से हम जो है वो अपनी गुफ्तगू को और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। कुरान जो है वो रसूल खुदा की ज़ात को उसवाए हसना करार दे रहा है। क्या कहता है कि हमने तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात को उसवाए हसना करार, उसवाए हसना यानी रोल मॉडल जो है वो बनाया है। क्या रसूल की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी के लिए रोल मॉडल है या नहीं है? क्या मैं रसूल खुदा की ज़िंदगी को एज आ रोल मॉडल देखता हूँ या नहीं देखता? क्योंकि हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हमारे यहाँ रसूल खुदा की गुफ्तगू ही कम होती है। हमारे यहाँ आम दिनों में हमें मौका नहीं मिलता या बाज़ औक़ात इंसान कर नहीं पाता। रसूल की ज़िंदगी के बारे में हमें इतनी सारी चीज़ें बाज़ औक़ात बतानी चाहिए, बाज़ औक़ात गुफ्तगू हमारे यहाँ मेंबर से इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। रसूल खुदा कि जिसके लिए कुरान कह रहा हो और अहले बैत जिनकी ज़िंदगी की तरफ ये कह रहे हों, हमें उनकी हस्ती को अपनी ज़िंदगी में किस तरह लाएँ। रसूल खुदा की ज़िंदगी के कुछ चीज़ें हैं कि बहरहाल हम सब तो ज़ाहिर है हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है, तालिब इल्म है, इल्म भी इतना नहीं है, लेकिन ये बच्चों के लिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी में रसूल खुदा की ज़िंदगी को शामिल करें। वो कैसे करें? रसूल खुदा जब कहीं भी गुज़रते थे या कहीं पहुँचते थे तो रसूल खुदा सबसे पहले ख़ुद सलाम करते थे। यानी बच्चों से भी, बच्चे भी कहीं होते थे तो रसूल खुदा ख़ुद सलाम करते थे, यानी किसी को पहल नहीं करने देते थे। यानी कितने लोगों की तालीमात और किताबों से मिलता है कि कहीं हमें मौका मिला हो हमने पहले सलाम किया, मगर रसूल खुदा सलाम में पहल करते थे। खूब, यही एक छोटी सी चीज़, छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। क्या ये मेरी ज़िंदगी में है? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में और ख़ास तौर पे बच्चों के सामने या घर में जाता हूँ या बच्चे, क्या मैं उनको सलाम करता हूँ? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ये तुम्हें सलाम करना चाहिए था, तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ों को सलाम करते हैं। ये रसूल खुदा की सीरत नहीं है। रसूल खुदा की सीरत ये है कि मैं ख़ुद सलाम करूं, उसके बाद बच्चे जवाब दें। खूब, जब तक मैं अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा फिर मैं किस रसूल को मान रहा हूं, फिर मैं किसकी सीरत पे अमल कर रहा हूं। खूब, ये बहुत ज़रूरी है। रसूल खुदा, मैं अपने बच्चों को रसूल खुदा की मोहब्बत कैसे डालूँ? खूब, कोई भी काम कहना है आप ये कहें रसूल खुदा करते थे, ना कि गलत काम खुदा ना खास्ता जो सीरत अम्मा में है। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा खाने से पहले हाथ धो, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहें बेटा रसूल खुदा खाने से पहले हाथ धोते थे। उसके दिल में इश्क पैदा हो रसूल का, वो भी यही करे कि रसूल करते थे मैं भी करूँगा। वो भी खाने से पहले अपने हाथ धोए, सोने से पहले के आदाब रसूल खुदा क्या करते थे। यानी हमारे लिए ज़रूरी है वॉशरूम जाए आदमी, वज़ू करे सोने से पहले। आप बच्चों को ही सिखाएं कि बेटा रसूल खुदा प्रॉफिट जो थे वो सोने से पहले ये काम करते थे, वो उसके इश्क में करे। जब तक ये हम इसको नहीं सिखाएंगे कैसे सीखेगा। अव्वल बात तो कि पहले मुझे ख़ुद तो रसूल से इश्क हो, सिर्फ नातों तक इश्क नहीं होता। अज़ीज़ान मोहतरम, इश्क जो है वो ज़िंदगी में होता है। नातें पढ़ते रहो, झूमते रहो, वो झूमने से इश्क नहीं होता कि वो दिल मेरा दिल चाहता है मदीना की गलियों में जाने को, दिल चाहता है मदीना की गलियों में तो चले जाएं, अल्लाह हम सबको ले के जाए, उम्रा कराए, ज़ियारत कराए। लेकिन जो रसूल चाहते थे वो बंदगी हमारी ज़िंदगी में हो। और खुदा कितना इफ्तिखार कर रहा है रसूल खुदा के ऊपर, खुदा के लिए अपने आप महबूब करार दिया रसूल खुदा की ज़ात को। हत्ता शब महराज जब रसूल खुदा को परवरदिगार आसमान पे रह गया तो पहले परवरदिगार अपनी हमद कर रहा है, सुभानल्लज़ी, अपनी हमद कर रहा है कि मैं उस पर, उसके ऊपर सुभान इसरा बिअब्दिही, जो अपने बंदे को महराज पे लेके आया। अल्लाह अकबर। यानी इतनी उस बंदगी पर नाज़ा है कि उस बंदे को महराज पर लेके जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यही रसूल मेरी ज़िंदगी में कहाँ है। आए माह रमज़ान है, हम कम से कम अपने सजदों को ही ऐसा कर लें जैसे रसूल के सजदे थे। वो तो ऐसे तो नहीं कर सकते यकीनन हम कहाँ, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। रसूल खुदा सजदे को खाक पर अपने रुखसारों को रखकर रब्बे ला तकलनी ला नफसी तरफताइन नबादा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे एक लम्हे के लिए मेरे हाल पे मत छोड़। रसूल फरमा रहे हैं, वो रसूल के असल जिसके लिए सब कुछ है। परवरदिगार कहता है कि कुंतो कंजन मखफियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं। मैंने रसूल खुदा को खल्क़ किया, उसके नूर को खल्क़ किया। वो हस्ती जो कायनात की खिलकत का बायस बन रही हो, बाकी चीज़ें बाद में कल कोई सारी, वो हस्ती कह रही है परवरदिगार मुझे एक लम्हे के लिए मेरे हाल पे मत छो। वो कह रही है मैं कहाँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो कहाँ और उसका राबता कहाँ। रसूल खुदा जिस महफिल से उठते थे 25 दफ़ा इस्तग़फ़ार करते थे, मगर खुदा न खास्ता रसूल खुदा गुनाह कर नहीं, मासूम थे। मगर क्यों? असल उनकी इस्तग़फ़ार उनके मकामात के हिसाब से है। वो इसी पर ही कि वो खुदा ने उनको बशरियत में भेजा है, असल में ख़ुद वहाँ पर एक वो है, निज़ाम है, एक सिलसिला है। लेकिन हमें सिखाना चाह रहे हैं कि तुम जिस महफिल से उठो इस्तग़फ़ार करो। क्यों? क्योंकि न जाने उस महफिल में तुमसे कोई गुनाह हो जाए, तुमसे कोई गीबत हो जाए, तुमसे किसी का दिल तुम तोड़ बैठो, किसी महफिल में बैठो, कहीं उस महफिल में तुम्हारी कहीं आंख गलत उठ जाए, कुछ भी हो सकता है। 25 दफ़ा इस्तग़फ़ार करो। खूब मैं देखिए ना, ये तो बहुत तेज़ी से, क्योंकि वक्त इतना तेज़ी से गुजरता है कि हम खुद तेज़ी से गुजर रहे हैं। बहरहाल चंद दिन है, कोशिश करें कि अज़ीज़ान मोहतरम कोई एक चीज़ माह रमज़ान में, कोई एक चीज़ आप रसूल खुदा की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, बस खुद ब खुद बाकी चीज़ें आ जाएंगी। हम बाज़ औक़ात इतना दीन को मुश्किल बना देते हैं, इतनी सारी चीज़ें, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी पढ़ना है, वो भी करना है, ये भी करना है। एक दिन तो पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन भाग जाते हैं। आप आसान पेश करें ना, इस बच्चे को बोलें बेटा आज के बाद तुमने बस रसूल खुदा की एक सीरत पर अमल करना, कोई भी एक सीरत, कम से कम खाने से पहले बेटा हाथ धोना, वाह काफ़ी है, एक चीज़ पर अमल कराओ। कोई एक चीज़ उसको रसूल से डालें। देखें अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे लिए क़यामत में शाफ़ी महशर कौन है? रसूल है। कितना मेरे ताल्लुक़ात हैं रसूल से इस दुनिया में, मगर रसूल है कहाँ मेरी ज़िंदगी में? कहाँ है? अल्लाह अकबर। क्या हज़रत सैयदा फरमाती हैं कि इस दुनिया में मेरे लिए चंद चीज़ें इस दुनिया में अच्छी लगती हैं, उसमें से एक रसूल खुदा यानी अपने बाबा के चेहरे को देखना। अल्लाह अकबर। यानी हज़रत सैयदा अपने बाबा के चेहरे की तरफ देखना इस दुनिया के अंदर बेहतरीन चीज़ शुमार कर रही है। अब ये मेरा दिल चाहता है कभी कि मैं रसूल से तवस्सुल करूं, रसूल खुदा से बात करूं, मगर क्या खुदा न खास्ता हमारे मज़हब या हमारे अक़ीदे में भी एक रसूल खुदा चलेगा तो चलेगा नहीं। असल ये तो रसूल खुदा हैं। खुब आयतुल्लाह उज़्मा बहजत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अहले बैत कि जब हम हरम में जाते हैं तो बिल्कुल ये वैसे ही हैं जैसे अपनी हयात में थे। बिल्कुल वैसे ही हैं, ये मत समझो कि सो रहे हैं ये। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ये अपनी हयात में। तो खूब ये हयात में थे, आप इनसे बात करें, आप इनसे तवस्सुल करें। या रसूल अल्लाह, मेरा भी दिल चाहता है कि आपके रोज़े की ज़ियारत करूँ। या रसूल अल्लाह, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी मदीना के उस सब्ज़ गुंबद को देखूं। मेरा भी दिल चाहता है और मेरा दिल उनको भी चाहता है या रसूलल्लाह जिन्हें आप चाहते थे। अल्लाह अकबर। आप किसको चाहते थे, किसको चाहते थे? यानी रसूल खुदा अपनी जगह से उठ जाते थे जब हज़रत सैयदा तशरीफ़ लाती थी। यानी क्या था, बेटी थी, यकीनन बेटी थी, लेकिन उस बेटी का मकाम, उस बेटी का मर्तबा क्या था कि रसूल खुदा अपनी उस बेटी से मोहब्बत करते थे। खूब हम रसूल खुदा को उसी बेटी का वास्ता दें। या रसूल अल्लाह, मैं ज़िंदगी में बदलना चाहता हूँ, मैं तब्दील होना चाहता हूँ। वो जो दीन अल्लाह ने आपके ज़रिए से भेजा था, आज मेरी ज़िंदगी में वो दीन कम रंग हो गया है, मैं मसरूफ़ हो गया हूँ। या रसूलुल्लाह, आप मेरी मदद करें। रसूल खुदा अपने सहाबियों के साथ जा रहे हैं, एक जगह से गुज़रे तो उसका वो भेड़ और जानवर थे उसके पास। तो रसूल खुदा ने उससे कहा कि दूध इसमें से निकाल के दे दो। तो उसने बोला, दूध तो मैं नहीं दे सकता, मैं आपको पानी दे देता हूँ। और फिर कहने लगा कि मेरे लिए दुआ भी करे। तो रसूल खुदा ने दुआ की कि परवरदिगार इसके रिस्क में इसको इजाफा करे, इसके इस कामों में। अब आगे गए तो एक और चौपाया था, चौपान था, ये जिसके भेड़ बकरियां थे। रसूल खुदा उसके पास गए तो उसने रसूल खुदा को दूध भी दिया। उसने भी कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कीजिए। रसूल खुदा ने कहा कि परवरदिगार, जो इसके लिए बेहतर हो उसे अदा कर। साहबी कहने लगे, उसने आपको दूध नहीं दिया, उसके लिए आपने कहा इसको इजाफा करें, और इसके लिए आप कह रहे हैं कि जो बेहतर हो। कहा हाँ, कहा जो बेहतर हो उसमें बरकत है। बाज़ औक़ात हम इजाफा जमा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बरकत नहीं है। बाज़ औक़ात मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा हो जाए, डबल हो जाए, ज़्यादा चीज़ें हो जाएँ, ज़्यादा घर हो जाएँ, लेकिन अगर बरकत नहीं होगी तो ये सब कहाँ जाएगा। और अगर कम है लेकिन बरकत है तो ये कम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि खूब बरकत का मफहूम समझे। बरकत ये नहीं है कि खूब मेरी अगर एक गाड़ी खड़ी है तो चारों कार बस में चार गाड़ियाँ, ना। बरकत ये है कि ये एक गाड़ी हो, मगर इसमें जब ये सफ़र करे तो ये सुकून से सफ़र करे, जब ये सफ़र करे तो ये अपने मंजिल पे पहुँचे। असल ये है, ये खुश हो। आदमी के पास इतना कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, सर में दर्द है। एक करोड़पति के पास मैं बैठा हुआ था, उसके पास गया तो उसके सर में शदीद दर्द। कहने लगा, मुझसे कोई 1 करोड़ ले लो, मेरे सर का दर्द सही कर दे। कहाँ से सही करे? ये चीज़ें पैसों से नहीं आती हैं। ज़ाने मोहतरम, किस से आती हैं? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आगा हो जाओ कि अल्लाह का ज़िक्र है जो दिलों को इत्मीनान देता है। ये बरकत है। कि आपके पास इतना हो कि आप खुदा की बारगाह में मुसल्ला बिछा के बैठे, ना कि यहाँ अल्लाह अकबर की तो याद आया हो अभी तो इसकी पेमेंट देनी है, अभी तो उसको पेमेंट करनी है, डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो गया, यूरो यहाँ चला गया, फॉरेक्स जो है वो रेट नीचे गिरना है, अभी स्ट्रेस में है ना आदमी, हर स्ट्रेस में है। अभी परवरदिगार खाना मैंने उतना ही है जितना अरबपति खाता है, तो मुझे उतना दे कि मैं तेरी बारगाह में आ सकूं। हाँ, और ये जो ताकत मुझे तू खाने को दे रहा है, अजीज़ान मोहतरम वक्त जो है वो इतना नहीं है हमारे पास, बहरहाल और हमारी ज़िंदगी जो है इंशाल्लाह चंद दिन हम रहेंगे। अजीज़ान मोहतरम, खाना जो है वो खाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको खाने के मारिफत और मकामात हैं हदीस और रवायात में, उसके ज़ाहिर उसके बातन उसकी सारी चीज़ें। एक चीज़ जो खाने के लिए हमारे मासूमीन ने कहा है कि बंदा ये दुआ करे कि परवरदिगार ये जो खा रहा हूँ ये खाना मेरे बदन में वो एनर्जी बने ताकि इस एनर्जी को तेरी इबादत में ख़र्च कर सकूँ। ये है, ये है मासूमीन की ज़िंदगी में से निकाल कर अपनी ज़िंदगी में अमल करना। क्योंकि ये सब क्यों आए थे, 1,24,000 पैगंबर क्यों आए, क्यों अल्लाह ने अंबिया के बाद आइम्मा को निकाला, आइम्मा को भेजा हमारे दरमियान, फिर उसके बाद औलिया औसिया, क्यों? खुदा चाहता था कि ये मेरी बंदगी करे। वमा खलक़्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। खुदा कहता है मैंने जिन और इंस को खल्क नहीं किया मगर सिवाय इबादत के, बंदगी के। बंदा चाहिए, खुदा को बंदगी चाहिए, खूब बंदगी यानी खूब ओबीडियंस, अताअत। अब चाहे आप घर में हों तो भी बंदे हों, मस्जिद में हों तो भी बंदे हों, ऑफिस में हों तो भी बंदे हों। मस्जिद में तो मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से। बाहर निकलूँ, बाज़ार में बैठा हूँ, कम तोल दिया, झूठ बोल दिया, खुदा ना खास्ता। घर में पहुँचा, वाइफ ने खाना थोड़ा सा गलत बना दिया, ये क्या बनाया है। बच्चे ने कुछ कह दिया, उस पर गुस्सा हो गया, वालदैन से कोई बात हो गई, यहाँ वहाँ बंदगी कहाँ गई? असल बंदगी तो वहीं थी। हम दीन को बाहर ढूंढ रहे हैं अज़ीज़ान मोहतरम, दीन घर में है, दीन घर में है। अपनी ज़ौजा के साथ कैसा हूँ मैं? वो सहाबी रसूल जो इतने मशहूर थे, इतने शुजाअत थे, जिनकी तलवार ने इतने काम किए, रसूल खुदा जब उनको दफनाने जा रहे हैं ख़ुद जनाजा उठा रहे हैं, कभी दाएं से कभी बाएं से। बाद में सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप क्या कर रहे थे, कभी दाएं से कभी बाएं से? कहा मैं क्या करता, जहाँ से हज़रत जिब्राइल उठाते थे मैं भी वहीं से उठा रहा था। और वहाँ पर जब दफनाया तो उस सहाबी की जो वालदा मोहतरमा थी क्या फरमाती हैं कि क्या बात है तुम्हारी, क्या खुश बहाल। तो रसूल खुदा कहते हैं जल्दी मत करें, मैं कब्र में अजाब देख रहा हूँ। अल्लाह, या रसूल अल्लाह, यानी आप जनाजा दफना रहे हैं, जनाजा उठा रहे हैं और कब्र में अजाब। कहाँ? हाँ, ये शख्स अपने घर में बदकलाम था। खुद दीन घर में है अज़ीज़ान मोहतरम। बहरहाल आज माह रमज़ान की पहली रात है, हम चलें रसूल खुदा की तरफ मदीने में। रसूल खुदा के जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा गम था वो हज़रत सैयदा को था। हज़रत सैयदा को अपने बाबा से बड़ा प्यार था। यही वजह है कि जब हज़रत सैयदा को जब पूछा गया ना, आकर मकातिल के जुमले हैं कि बीबी को जब मदीना की ख़वातीन देखने आती थी तो हर दिन बीबी पिछले दिन से कमज़ोर हो जाती थी, यानी दिन ब दिन बदन कमज़ोर होता जा रहा था, जिस्म ऐसा जैसे टूटे हुए अरकान थे। बीबी से पूछा गया कि क्या गम है जो आपको खाए जा रहा है। वहाँ बीबी ने जो चंद चीज़ें कहीं, वहाँ एक कहा बाबा के जाने का गम और अली से नाइंसाफ़ी का गम। ये नहीं कहा बीबी ने कि मेरी पसलियाँ टूटी हुई हैं, ये नहीं कहा बीबी ने कि मेरे हाथ ज़ख्मी हैं, नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, कहा बाबा के जाने का गम। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा जब गए हैं तो किस तरह से बीबी का गिरिया है, और इतना गिरिया और बाद में इतना गिरिया करती थी कि लोगों ने हज़रत अली को कहा अली फ़ातिमा से कहो या दिन में गिरिया करे या रात में गिरिया करे, इतनी मुसीबतें पड़ी सुब्बत अलैया। यही तो कहती है ना बीबी, इतनी मुसीबतें मुझ पर पड़ी कि अगर रोज़े रोशन पर पड़ती तो तारीकी में बदल जाते। कहीं या रसूलल्लाह, ये आपके जाने के बाद आपकी उम्मत ने आपकी बेटी के साथ क्या किया। आज पहली रमज़ान की शब है, हम आपके घर से मुत्तसिल होते हैं, या रसूलल्लाह हमारी तरफ निगाहे करम कीजिएगा, हमें भी गुनाहगारों को इस माह मुबारक में, माह रहमत में अपनी तरफ लेकर आइएगा। और हाँ सैयदा, या सैयदा, यकीनन आपके लिए बड़ी मुश्किलात हुई बाबा के जाने के बाद। हाँ मगर बीबी, आपके जाने के बाद, आपके बाबा के जाने के बाद मुश्किलात बहुत थी, यकीनन मुश्किलात आप पर जो पड़ी किसी पर नहीं पड़ी। हाँ मगर बीबी, फिर भी मौलाए कायनात तो थे, कुछ तो दलासा आपको दे देते थे। मगर मैं कहूँगा यौमो यौमो का यह अभाव दिल्ला, अरे वो जो दिन करबला में था बीबी, आप तो मस्जिद नबवी के बाहर बैठी रही कि अली को जब तक नहीं छोड़ोगे मैं नहीं जाऊंगी। हाँ बीबी, यकीनन आप बहुत तकलीफ में थी, मगर आप अली को अपने साथ ले गई। अरे मेरा सलाम हो हज़रत ज़ैनब पर, अरे जो 11 मुहर्रम को जब अपने काफिले को मकदल से गुजरा तो अपने आप को नीचे गिरा दिया। अरे छोटी सी बच्ची कहती है फुप्पी ये किसके बदन है, अरे कहा अरे वही बच्ची जो बाबा के सीने पर सोती थी, अपने बाबा के बदन को ना पहचान पाई। बाज लिखते हैं बीबी उस जगह को तलाश कर रही है, कहा फुप्पी क्या तलाश कर रही है, कहा कोई सालिम जगह देख रही हूँ कि जहाँ पर बोसा ले सकूं। अरे वो कटी हुई रगे और वो ज़ैनब का बोसा। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लबून। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों उनके मददगारों में शुमार फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो भी हाज़रीन मजलिस हैं परवरदिगार इन सब की शरई हाजात को जल्द से जल्द कबूल फरमा। हमारे इन बच्चों को सरबाज़े इमाम ज़माना बना, हमारे घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर फरमा, हमारी इस कम्यूनिटी में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, यहाँ के उलमाओं को उलमाओं की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जो भी यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, कम्यूनिटी है, जमात है, प्रेसिडेंट है, हर शख्स, चाहे वो गेट कीपर है, चाहे वो साउंड वाला है, चाहे वो कैमरे वाला है, जो भी शख्स अपनी तरफ से हिस्सा डाल रहा है, और जो लोग हत्ता सुनने आते हैं परवरदिगार उन सबको इस माह रहमत में, माह बरकत में अपनी बारगाह से अजर कसीर अता फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी अज़ादारी मातम दर्स हो रहा है मुसलमान हैं परवरदिगार उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जो भी मुश्किलात में है परवरदिगार उन सब की मुश्किलात को दूर फरमा। हज उमरा और ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुकना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहु फ़िल आख़िरह।